एक औरत जिंदगी में 3 बार जन्म लेती है, एक जब वो किसी की बेटी बनकर आती है और दूसरी बार जब वो किसी की पत्नी बनती है और तीसरी बार जब वो माँ बनती है। एक बेटी के साथ माँ बाप की खुशियाँ, उनके सपने जुड़े रहते हैं। उनके दिल का टुकड़ा होती है बेटियाँ, उनके आंगन को महकाने वाली कली होती हैं बेटियाँ। फिर भी उसे हर बार यह एहसास दिलाया जाता है कि वह पराया धन है, उसे तो दूसरे घर जाना है, आगे बढ़ना है, बस तुझे आगे बढ़ते जाना है। इस आंगन को और तुझे उस घर को भी तो सजाना है। हमेशा से ही ये कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा, तुझे घोड़े पर सवार होकर लेकर जाएगा। क्या वाकई वो राजकुमार होता है जिसके हवाले माँ बाप अपने दिल का टुकड़ा कर देते हैं, जिसके पीछे हम अपना सब कुछ छोड़कर आंखें बंद कर बस उस पर भरोसा कर चल देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या वाकई में वो राजकुमार हमें राजकुमारी की तरह रखेगा। इस उधेड़ बुन में वो एक नए परिवार, नए रिश्तों के बीच में पहुंच जाती है। वो ये सब उस राजकुमार के भरोसे करती है कि वह हर मुश्किल में उसका साथ देगा, उसे समझेगा, उस पर भरोसा करेगा, उसकी मान सम्मान की कदर करेगा। पर क्या ऐसा होता है? या वो तो बस एक बहू, एक औरत बनकर रह जाती है। पत्नी बनने का उसे ना मौके मिलते हैं, ना उस राजकुमार की राजकुमारी। वो तो बस खुद को उस नए माहौल में ढालने में लग जाती है, पर अंदर ही अंदर एक कसक रह जाती है कि वो जिसके साथ यहाँ आई थी, जिसके लिए आई थी, वो इस सफर में कहाँ है? क्या उसे अपनी राजकुमारी को प्यार व समय नहीं देना चाहिए? एक पत्नी ने एक बार मुझसे कहा कि मेरी शादी मेरे पति से हुई है, जब तक हम दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते, वो मुझे अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं देते, तब तक मैं कैसे खुद को उनकी राजकुमारी समझूं? और अगर कुछ बोल दिया तो लगता है जैसे कि वह कितना लड़ती है, अपने पति को नहीं समझती। क्या वाकई ऐसा ही है? क्या उसे अपने मन की बात रखने का कोई हक नहीं है? उसे संस्कारी की दुहाई देकर हमेशा चुप ही रहने को कह दिया जाता है। संस्कारी थी वो जब तक चुप थी, बदतमीज हो गई जब वो बोल पड़ी। ये कहानी एक औरत की वास्तविक मनोदशा को दर्शाती है। एक औरत जीती तो सबके लिए है, मगर जिंदगी भर रहती अकेली ही है। वह राजकुमारी तभी तक रहती है जब तक वह अपने माँ बाप के पास रहती है।